इस्लामाबाद में वकला के चैम्बर्स गिराने और मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ वकला बरादरी ने अदालती कार्रवाइयों का बायकॉट कर दिया। जेलों से भी कैदियों को कराची की अदालतों में पेश नहीं किया जा सका। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद जिशान। सिंध बार काउंसिल के ऐलान पर कराची बार, हाईकोर्ट बार और मलिर बार की जानिब से मुकम्मल हड़ताल की गई। वकला एहतजाजन अदालतों में पेश नहीं हुए और जेलों से कैदियों को भी अदालतों में पेश नहीं किया जा सका। वकला बिरादरी का कहना था कि वो इस्लामाबाद के वकील भाइयों के साथ हैं। सीजेपी साहब से इसमें इंटरवीन करें और बेंच और बार की स्मूथनेस के लिए कदम बढ़ाएं ताकि इस मामले को रिजॉल्व करवाएं और एफआईआर वापस लें और जो हमारी लीगल फ्रेटर्निटी है उसकी ग्रीवेंसेस सुने ताकि ये मामला आगे नहीं बढ़े। एक्सप्लॉइट हो रहा है, इसको नेगेटिव लिया जा रहा है। मैं कोशिश हमारी बार बिल्कुल साथ है। इस्लामाबाद में जो हमारे लॉयर्स हैं उनके साथ होने वाली ज्यादती पर हम उनसे यकजहती का इजहार कर रहे हैं और हम ये बात इस स्ट्राइक में एक अलामती तौर पर बता रहे हैं कि हम हर लिहाज से अपने इस्लामाबाद में मौजूद लॉयर्स ब्रदर्स के साथ हैं और उनका साथ हम किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे। वकला बिरादरी ने इस्लामाबाद इंतजामिया के रवैये की मजम्मत करते हुए चीफ जस्टिस से मामले का नोटिस लेने की अपील की है। मोहम्मद जिशान, K21 न्यूज़, कराची।